और हमारे अलायंस पार्टीज MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौलाना साहब के साथ और BNP मौलाना साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। आप लोगों को मालूम है कि 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमारी ये मुलाकातें होती रहती है। कल हमने आपको बता दिया था कि मौलाना साहब के साथ हमने एक मुश्तरका लाएहामल अपनाना था। खान साहब के हिदायत के मुताबिक हमारी ये मीटिंग्स होती रही है। कल हम ऑलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमारा इत्तेफाक राय हो जाएगा। आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगु हुई है उन शिकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है। आज आप लोगों को मालूम है, जिस तरह आपके पास खबर आई है कि स्पेशल कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट अप्रूव किया है। हमारे साथ जिस वक्त हम इधर आए तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया जो स्पेशल कमेटी में डिस्कशन होनी थी। पहला ड्राफ्ट जो लीक हो चुका था 16 सितंबर को, दूसरा ड्राफ्ट वही जो 12 अक्टूबर को मिला, तीसरा ड्राफ्ट वही जो हमें 17 तारीख को दिया गया था और आज चौथा ड्राफ्ट हमें मिला। उस चौथे ड्राफ्ट में 26 आर्टिकल की तरामीम मौजूद है, वो हमने शिक बाय शिक कुछ देखी है। अभी हमारी मीटिंग जारी ही थी कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। मैं ये अर्ज करूं कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है, इंशाल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। हमने पहले दिन से ये अर्ज किया था कि जो भी हमारा वोट होगा, जो भी हमारे कंसेंसस अगर इस पे डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। इंशाल्लाह ताला आज हम दरख्वास्त गुजारेंगे, क्योंकि खान साहब के साथ बड़े अरसा से, तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा अरसा हो गया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इवन डॉक्टर की मुलाकात भी करने नहीं दी गई और हुकूमत ने अपने डॉक्टरों से मुआयना करवाया था। आज हम इंशाल्लाह दरख्वास्त देंगे, कल खान साहब के साथ हम मुलाकात की कोशिश करेंगे और खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम अपना फाइनल वर्शन इस पे इंशाल्लाह ताला देंगे। लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। स्पेशल कमेटी ने में हमारे तरफ से आमिर डोगर साहब और JUI के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, उनके प्रेजेंस में वो जो ड्राफ्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, तो ये वही ड्राफ्ट कमेटी ने अप्रूव किया है जिस पे हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही है, हो रही थी। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। आपके होते हुए बिलावल भी यहाँ पर आए, कोई मुलाकात के? हाँ, बिलावल साहब आए थे, बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारे तरफ आए, हमारी सलाम दुआ जरूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू साहब और हमारे अलायंस पार्टीज MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौलाना साहब के साथ और BNP मौलाना साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई। आप लोगों को मालूम है कि 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे हमारी ये मुलाकातें होती रहती है। कल हमने आपको बता दिया था कि मौलाना साहब के साथ हमने एक मुश्तरका लाएहामल अपनाना था। खान साहब के हिदायत के मुताबिक हमारी ये मीटिंग्स होती रही है। कल हम ऑलमोस्ट इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि हमारा इत्तेफाक राय हो जाएगा। आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शिकों पे
जो आईनी तरमीम में शामिल है। आज आप लोगों को मालूम है, जिस तरह आपके पास खबर आई है कि स्पेशल कमेटी ने भी एक ड्राफ्ट अप्रूव किया है। हमारे साथ जिस वक्त हम इधर आए हैं तो ये चौथा ड्राफ्ट है हुकूमत की तरफ से, वो हमारे साथ इधर शेयर किया गया जो स्पेशल कमेटी में डिस्कशन होनी थी। पहला ड्राफ्ट जो लीक हो चुका था 16 सितंबर को, दूसरा ड्राफ्ट वही जो 12 अक्टूबर को मिला, तीसरा ड्राफ्ट वही जो हमें 17 तारीख को दिया गया था, और आज चौथा ड्राफ्ट हमें मिला। उस चौथे ड्राफ्ट में 26 आर्टिकल की तरामीम मौजूद है, वो हमने शिक बाय शिक कुछ देखी है। अभी हमारी मीटिंग जारी ही थी कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। मैं ये अर्ज करूं कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है, इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। हमने पहले दिन से ये अर्ज किया था कि जो भी हमारा वोट होगा, जो भी हमारे कंसेंसस अगर इस पर डेवलप्ड होगा, हम खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, उनके इंस्ट्रक्शन और हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम दरख्वास्त गुजारेंगे, क्योंकि खान साहब के साथ बड़े अरसा से, तकरीबन 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसा हो गया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। इवन डॉक्टर की मुलाकात भी करने नहीं दी गई और हुकूमत ने अपने डॉक्टरों से मुआयना करवाया था। आज हम इंशाअल्लाह दरख्वास्त देंगे, कल खान साहब के साथ हम मुलाकात की कोशिश करेंगे और खान साहब के हिदायत के मुताबिक हम अपना फाइनल वर्शन इस पे इंशाअल्लाह ताला देंगे। लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी जो मुलाकात हुई है और जो डिस्कशन हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलमोस्ट एक कंसेंसस पे पहुंच गए। स्पेशल कमेटी ने में हमारे तरफ से आमिर डोगर साहब और जे यू आई के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, उनके प्रेसेंस में वो जो ड्राफ्ट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, तो ये वही ड्राफ्ट कमेटी ने अप्रूव किया है जिस पे हमारे मौलाना साहब के साथ यहाँ डिस्कशन हो रही थी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कल खान साहब से हिदायत के बाद हम फाइनल अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन आज मौलाना साहब के साथ हमारी ऑलमोस्ट कंसेंसस हो चुकी है। ये हम खान साहब के सामने रखेंगे और खान साहब की जो हिदायत होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम कल आपको अनाउंस करेंगे। आपके होते हुए बिलावल भी यहाँ पर आए, कोई मुलाकात के? हाँ, बिलावल साहब आए थे, बिलावल साहब भी आए थे, मौलाना साहब ने उनको टाइम दिया था, वो आए थे। वो मौलाना साहब के घर में किसी और कमरे में बैठे, लेकिन जाते हुए हमारे तरफ आए, हमारी सलाम दुआ जरूर हुई है, लेकिन बिलावल साहब के साथ हमारी ड्राफ्ट पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। थैंक यू।